धार में पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार से प्रदेश स्तरीय ग्रामोदय अभियान के तहत 1.25 लाख लोगों को कराया गृह प्रवेश और करीब 676 करोड़ रुपए के 94 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को उनकी राहत राशि दिलाई जाएगी। हर पंचायत गांव में पक्की सड़क बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साथ ही नल जल कनेक्शन होगा जो सीधे आप लोगों के घर में आएगा और हर पंचायत में खेल का मैदान होगा। सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की बहनों को बैंक से लिंक कराया जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने संबल योजना बंद कर दी, लेकिन हम संबल योजना के तहत 28 मार्च से विभिन्न प्रावधानों के तहत राशि डालने का कार्य कर रहे हैं। जल्द ही किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और स्वस्थ रहें। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में राजा भोज की 15 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया, जहां पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उद्योग मंत्री व बदनावर विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और धार महू सांसद छतर सिंह दरबार, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मोहन पटेल, धार विधायक नीना वर्मा, विक्रम वर्मा, रंजना बघेल, सावित्री ठाकुर सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो मेरे गरीब भाई और बहन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हैं, ऐसे 1.25 लाख मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 2000 करोड़ रुपया किस्तों के रूप में उनके खाते में डालने का काम हुआ है। आज कन्या शिक्षा परिसर हो, मुक्ति धाम हो, क्रीड़ा परिसर हो, पंचायत भवन हो, चाहे खेल के मैदान हो, उनका भी लोकार्पण हुआ है। एक और ग्रामोदय के अंतर्गत, एक ग्रामोदय का मतलब क्या है, गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं, वहाँ सड़क हो, सबके पास मकान हो, मकान में सुविधाएं, बिजली हो, पीने का पानी सीधे अब हैंडपम्प से नहीं, नल जल योजना के माध्यम से आए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो गरीब को मिल पाए, ऐसे अनेकों, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, रोजगार का सवाल हो, पंचायत भवन हो, स्कूल भवन हो, खेल का मैदान हो, हर जरूरत पूरी हो और वहाँ रोजगार के अवसर बढ़े, इसलिए मिशन ग्रामोदय का आज यहाँ शुभारंभ हुआ है। गाँव के उदय का भी, गाँव के विकास का भी मिशन जारी रहेगा और लोगों के कल्याण का मिशन भी जारी रहेगा। आज वो कार्यक्रम यहाँ से धार से संपन्न किया। कल प्रधानमंत्री की है क्या उपाय किए जा रहे हैं, सारी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, वैक्सीनेशन भी बढ़ाया जा रहा है और अब हमको सबको सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि कोरोना तो हवा में है। रोकने का तरीका है मास्क और दूरी और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हमने कुछ ऐसे कदम भी उठाए, जैसे इंदौर में, भोपाल में नाइट कर्फ्यू जैसी व्यवस्था, तो वो व्यवस्थाएँ दी। सर, भूमाफिया के खिलाफ अभियान का धार में, भूमाफिया के खिलाफ जो अभियान है, कोई माफिया और कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।